हम आपके समक्ष बोल रहे हैं, मीडिया के समक्ष बोल रहे हैं, ना मेरे से किसी ने संपर्क किया और ना किसी की हिम्मत है। मैं आज आपके समक्ष बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस ने एक नहीं 3 से 4 बड़े टिकटें मुझे दी है, मान सम्मान दिया है। मैं बिकाऊ नहीं हूं कि किसी के बहकावे में बिक जाऊंगा, मैं किसी के लालच में आने वाला नहीं हूं। ऐसे परिवार से संबंध रखता हूं कि ऐसा सोच रखना भी हमारे लिए पाप है। इसलिए ये जो मीडिया में ऐसी बातें फैला रहे हैं, मैं उनको भी आगाह करना चाहता हूं कि ऐसी भ्रांतियां ना फैलाएं और कंट्रोल में रखें अपने आप को। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बीजेपी में जाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, मैं कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष हूं, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूं और कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए पूरी तरह जोर लगा रहे हैं, सत्ता में लेके मुझे इस बात का सबूत दे दें कि मैं कहीं दिल्ली के रास्ते में गया तो मैं तो 4 दिन से ही इधर हूँ। नहीं तो मीडिया में आया तो क्या उस मीडिया के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? ये जिसने अग्रेसिव बातें फैलाने की कोशिश कर रहा है, ये किसी के इशारे पे कर रहा है और ये साजिश है। ना मेरे को किसी ने संपर्क किया, ना मैं हमीरपुर छोड़ के गया हूँ और ना कहीं मेरा दिल्ली की तरफ रुख था, ना मेरे से बीजेपी ने कोई बात करी है। ये जिसने भी बात करी है ये सरासर गलत करी है, और मीडिया में कोई इस बात की तरह कुछ छापेगा तो मुकदमा में ठोकूंगा केस। वो सोशल मीडिया में बात कर रहा हूँ कि कोई ये सोचे कि राजेंद्र राणा को खरीद लेना है या प्रेशर में लेके आना है तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं कांग्रेस के साथ हूँ, ना मेरे ऊपर कोई प्रेशर है, ना मेरे से किसी ने संपर्क किया, ना किसी संपर्क करने की किसी की हिम्मत है, क्योंकि मैं कांग्रेस के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। और जो लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं वो मुझे लग रहा है मेरे अच्छे शुभचिंतक होंगे जो ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं 5 दिन से अपने जैसे ही विधानसभा खत्म हुई मैं 5 दिन से अपने चुनाव क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आप सारे मीडिया के लोग यहाँ खड़े हैं, ये कौन लोग हैं जो बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि राजेंद्र राणा का नाम लिख रहे हैं? सोशल मीडिया में जो भी उठता है वो किसी का भी नाम लिख सकता है। ना बीजेपी ने मुझे कहीं अप्रोच किया, ना मेरा कोई संबंध है, ना मेरा कोई लेना देना है, ना किसी की हिम्मत है, बीजेपी के किसी नेता की हिम्मत है कि मेरे को आके अप्रोच करेगा। मत सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कांग्रेस के मैं हूँ, कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में ही रहूँगा, किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूँ मैं।